हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरा दिन का शुरुआत हो चुका है। आजकल मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट उठने लगी हूँ, क्योंकि रात में मैं बहुत ज़्यादा लेट सोती हूँ मेरे ऑफिस के काम के लिए। तो थोड़ा सा मैंने वार्म वाटर ले लिया। लेने के बाद जो आज का दिन में मुझे जो जो काम करना है ना, मैं सारे थोड़ा सा लिस्ट कर ले रही हूँ। मैं हमेशा कर लेती हूँ ऐसा, ताकि मुझे याद हो, मैं भूल ना जाऊँ, कन्फ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि हमेशा याद नहीं रहता है चीज़ें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो ना, तो आप भूलने की चांसेस होता है आपको। तो जो भी हो, वो सब करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं तो एकदम जम गई सर्दी में। मारा अभी ये पीछे। और आज है मंडे, तो मैंने सुबह उठ के ब्लॉग शुरू कर दिया। और मैं अभी ले रही हूँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लेती हूँ। आज का जो दिन है ना, आज बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। आप देख सकते हो मेरा किचन का हालत। उस साइड वाला साफ है, उस साइड तक की थी मैं। गैस ओवन जो है वो मैंने साफ कर दिया था। मायरा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मायरा। और इस सैटरडे संडे को मैंने सारे कार्टन सोफे का कवर सारे धोया है। बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए। और जैसे मैंने अभी जॉब ज्वाइन कर लिया, पहले मैं क्या करती थी ना, सैटरडे संडे को सारे घर का जो डीप क्लीनिंग वगैरह वो मैं करती थी। तो कल रात में मैंने मेरा ये वाला ड्रॉर पूरा अरेंज किया। अरेंज तो था ही, बट वही होता है ना, आप सामान निकालते जाते हो ना, आपका हाथ का गंदगी भी जो डब्बा होता है उसमें आ जाता है। तो वो सारी चीज़ साफ़ किया। ये वाला जो है ना, देखिए यहाँ पे कितना सारा स्पेस है, यहाँ तक पूरा भर गया था ये। और ये सारे कंटेनर मैंने सेम कंटेनर ही मैंने रखा है, ना मैंने किसी को ऐड किया है, ना मैंने किसी को हटाया है। बस ये छोटू सा हींग का डब्बा मैं रखना भूल गई थी। और देखिए अब कितना सारा स्पेस निकल गया इसमें। हफ्ते में कम से कम एक दिन ना ऐसा करना चाहिए, देखना किचन में जो स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी नीतीश मायरा दोनों उठ गया जल्दी, मुझे लगा था मैं कर लूँगी कुछ तो काम। और ये वाला जो मेरा ड्रॉर है ना, सारे पल्सेस वगैरह रखती हूँ। ऊपर का तो अरेंज रहता है, क्योंकि ऊपर का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे इसको भी पोंछना है अभी, और सारे डब्बे को अरेंज करना है। और इतना काम है, झाड़ू पोछा मुझे करना है। और आज मुझे बनाना है बिरयानी, क्योंकि नीतीश दो दिन से मुझे बोल रहा है कि बिरयानी खाना है, बिरयानी खाना है। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं दिन, देखते हैं जितना काम होता है करूँगी। स्ट्रेस नहीं लेना है, काम आकर ज़्यादा है तो। और एक मैं आपको एक बात बोलूँ, मेरे साथ बहुत होता है, जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, अगर मैं घर ही देखती हूँ ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सब लगता है कि अभी मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन अब जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है, मैं घर ही देखना छोड़ देती हूँ। जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। बस यही खाना जो है ना, मैं पहले के बना के रख दूँगी, ताकि खाना जो है मैं टाइम से दे पाऊँ नीतीश और मायरा को। तो चलिए अभी चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। और ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा हो गया है। अब मैं जो कल रात में जो बर्तन मैंने डाल के रखा था डिश वॉशर में, वो धो के सूख भी गया है। सूखता तो है ही, वो थोड़ा सा पानी जो भी रह जाता है, सब कुछ वहाँ पे सूख गया है। उठने के बाद मैं जितना भी सारे बर्तन हैं उसको मैं सेट करके रख दूँगी। फिर से जो मेरा डिश वॉशर है उसको मैं फुल कर दूँगी, ताकि मेरा बेसिन जो है वो खाली हो जाए और मैं काम कर सकूँ। और डिश वॉशर लेके मुझे बहुत सारा सवाल आता है कि सही में ये काम का है या नहीं। आप बोलो तो ये काम का है, लेकिन कुछ कुछ बर्तन जो है ना, ये साफ़ नहीं होता है। अभी 3 मंथ्स के लगभग हो गया है मैं डिश वॉशर यूज़ कर रही हूँ। मैं भी समटाइम्स कन्फ्यूज़ होती हूँ, क्योंकि इसमें बर्तन जो है ना, ये साफ़ तो होता है, बहुत अच्छा साफ़ होता है, लेकिन पता नहीं 3-4 टाइम्स में ना एक बार ऐसा होता है कि कढ़ाई कुकर जो है ना, ये साफ़ नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहती हूँ उसमें, बट यकीन मानो, लेकिन है तो ये अच्छा, क्योंकि 1 घंटे में इतना सारा बर्तन धुल के सूख जाता है। आपको एक्स्ट्रा कोई कपड़ा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होता है इसमें।
बस इसमें जो व्हील है ना ये आज फंस गया था, तो उसको मैंने बाद में ठीक करके अब मैं इसको फूल कर दूंगी, चला दूंगी। जब तक मेरा काम हो जाएगा, बर्तन जो है सारे धुल के साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा डस्टबिन है, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। इसको आप डिसइनफेक्टेड वाइप्स जो है उससे साफ़ कर सकते हो, नहीं तो आपका जो मायरा का जो जॉनसन वाइप्स है ना, वो भी एंटीबैक्टीरियल होता है, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। डस्टबिन जो है ना, ये मोस्ट इग्नोरेंट पार्ट होता है किचन का, हम लोग नहीं साफ़ करते, लेकिन उसमें आपको साफ़ करना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा गंदगी वगैरह इसमें हम लोग फेंकते रहते हैं। उसको अगर आप साफ रखेंगे तो जो जर्म्स है वो फैलेगा नहीं। और यहाँ पे सब काम करने के बाद मैंने जो मायरा का टॉयज है उसको मैं हटा दूंगी। कल रात से ये पड़ा हुआ था, कल रात इतना सारा काम था मेरे पास है तो मैं कर नहीं पाई थी। और अभी मायरा गई है पार्क अपने पापा के साथ थोड़ा सा खेलने के लिए, और मैं इस टाइम जो है मैं पहले घर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मायरा के साथ ना घर साफ़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी ना लग जाती है मेरे साथ घर साफ़ सफाई करने में, तो मुझे और लेट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ना, कागज़ वगैरह इतना सारी चीज़ है, तो वैक्यूम से मैं साफ़ कर लूँगी कारपेट को। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वैक्यूम, अगर आपके घर में कारपेट हो इतना जल्दी और इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है ना। We got time on our side. When I stayed at home, I need you on my fire. I want you to know that every time. इधर मैंने नीतीश को फ़ोन करके पूछ लिया था, बोलो कभी बोले कि लेट आएंगे, थोड़ा सा खेल रहे थे पार्क में, तो मुझे लगा मैं पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उसके बाद मैं खाना बनाऊँ, कि खाना जो है ना आज बहुत जल्दी बन जाएगा, मैं ऐसे ही कुछ बनाऊँगी तो झाड़ू लगा दूँगी। और मैं झाड़ू लगा तो ना हर कोने से मुझे टॉयज़ मिलता है, जितना भी टॉयज़ मैं उठा लूँ तो अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मुझे ये फील होता है ना, हफ्ते में एक दिन कम से कम आपको खुद से झाड़ू लगाना चाहिए घर में। अब देखना बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है, मेड तो लगाती है, मेरी मेड जो है हाउस हेल्पर जो है वो भी अच्छे से लगाती, बट जितना भी अच्छी हो ना मेड, आप अपना घर का काम जितना सफाई से कर सकते हो ना दोस्तों, और कोई नहीं कर सकता, मुझे तो यही लगता है। तो हफ्ते में एक दिन बर्तन को अपने हाथ से धोना, घर की सफाई करना खुद से, तो मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो झाड़ू लगा लिया, झाड़ू लगाने के बाद मैं घर पे थोड़ा सा पोछा लगा लूँगी। और अभी सर्दी इतनी ज़्यादा है तो मैं जो कारपेट है ना ये हर दिन नहीं उठाती हूँ, एक दिन अल्टरनेटिव करके उठाती हूँ, अगर मेरे हाउस हेल्पर आए तो वो उठा देती है। और आज मैं जल्दी में हूँ तो मैंने कारपेट नहीं हटाया, तो ऊपर से मैं लगा रही हूँ पोछा। और जो ये मॉप करने वाला है ना वाइपर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना सूखा इतना साफ पोछा लगता है। और ये जो घर है ना ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी टाइम लगता है मुझे झाड़ू पोछा करने में, तो आज ना मैं बालकनी जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था, क्योंकि मैं लेट हो गई थी ना, इसलिए मैं जिस घर में मायरा ज़्यादा जाती है, ज़्यादा खेलती है, जैसे ये वाला ऑफिस रूम है, ये बेडरूम, ये सब मैं मॉप कर लूँगी अच्छे से। काम जो है ना अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं खाना बना लेती हूँ तो लेट हो जाएगा। राइस जो है राइस चला दिया है, और बिरयानी नहीं बना पाऊँगी आज मैं, क्योंकि लेट हो गया है। और बिरयानी बनाऊँगी तो मायरा के लिए भी मुझे अलग से कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि चिकन करी बना लेती हूँ, तो सब लोग खा पाएंगे। और मैं थोड़ा सा वार्म वाटर ले रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग देखो, डिश वॉशर जो है ना ये अभी जस्ट स्टॉप हुआ, इसका जो स्क्रीन है और कितना ज़्यादा धुआं निकलता है इसमें, इतना गर्म पानी से बर्तन साफ़ होता है ना, तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी है, जब गर्मी में ऐसा होता था ना मैं साइड से होके इसको खोलती थी और तुरंत मैं फ़ैन चला देती थी। ये जो रेक है ना ये बहुत गर्म होता है, तो हल्का से ऐसे खोल के छोड़ देना पड़ता है। चॉकलेट, अच्छा आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, चॉकलेट बच्चा मेरा, आ जाओ, रुको रुको पहले शूज को, शूज करना, शूज करना पहले, चॉकलेट चॉकलेट।
और यहाँ पे आज का लंच में बन रहा है चिकन करी, कुकर में बना रही हूँ। और जब भी मैं कुकर में चिकन करी बनाती हूँ ना, मैं प्याज टमाटर अदरक लहसुन का क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। बस अदरक लहसुन प्याज टमाटर थोड़ा सा भून गया, सॉफ्ट हो गया, यहाँ पे मैं रूटीन के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच चिकन मसाला या मीट मसाला ज़रूर मैं ऐड करती हूँ। उससे ना चिकन का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और मसाला को ना अच्छे से अगर भून लेंगे आप तो बहुत अच्छा स्वाद बनता है कुकर का चिकन भी। और कुकर का चिकन हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं ना, जल्दी बन जाती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि मायरा को भी मैं देती हूँ ना। और अगर सॉफ्ट नहीं हुआ चिकन तो मायरा जो है वो बच्ची है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कुकर में बना हुआ ऐसा सिंपल सा चिकन के साथ राइस। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया, बहुत ही अच्छे से भुनना है जब तक मसाला जो है ना ये मतलब ब्राउनिश टाइप का ना हो जाए कलर और बहुत अच्छा खुशबू ना छोड़ दे। थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो नमक तो मैंने इस पर ऐड कर दिया और जो चिकन मैंने रखा था ना, चिकन मैंने आज मैरिनेट करके नहीं रखा था, तो उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करके बहुत अच्छे से मैं इसको भूनूंगी, तब तक चिकन का कलर भी अलग ना हो जाए, थोड़ा वाइटिश ना हो जाए और तेल अच्छे से ना छोड़ते। बस जब ये सिचुएशन में आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के 2 से 3 सीटी लगा दूँगी और मैंने आलू भी ऐड कर दूँगी इसमें। पर जब तक मेरा चिकन करी यहाँ पे हो रहा है, राइस तो मेरा बन गया था पहले से ही। और मायरा को अभी थोड़ा सा मैंने बैठा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा खेली थी आज वो पार्क में और थोड़ा सा थक भी गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत बर्तन है वो मैं इसमें धो लेती हूँ। आज मैंने चला दिया था डिश वाशर, अभी बर्तन उसमें है तो मैंने थोड़ा सा जो बर्तन है मैं उसमें हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट टाइम था। और एक चीज़ है, मुझे बहुत सारा फ़ोन मैसेज ये आ रहा है कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैं कैसे चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर, बस सच बताओ ऐसा कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, जैसे चीज़ें हो रहा है वैसे कर रही हूँ। कुछ प्रेशर नहीं लेना, जितना होना है उतना करो, क्योंकि जो भी चेंजेस लाइफ में होता है ना उसको हमेशा लेने में टाइम लगता ही है सबको। जैसे मैं कर रही हूँ मुझे भी टाइम लगता है, मेरे बेटी को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक किस्सा आप लोगों को बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा ऑफिस का एक मीटिंग था, तो मैं मीटिंग कर रही थी और मायरा उठने के बाद, उसको हमेशा आदत है मैं उसके पास जाती हूँ, थोड़ा सा उसको किस करती हूँ, पैम्पर करती हूँ, उसको ये चीज़ का आदत है। और मेरी तो मीटिंग हो रही थी, जब वो उठी उठने के बाद वो इतनी तेज़ रो रही थी, मुझे नहीं देख के बहुत रो रही थी। तो उसके बाद नीतीश उसको ले आए, जैसे वो देखी ना मैं मीटिंग कर रही थी, मेरा जो कंप्यूटर है उसका स्क्रीन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा था, वो पता नहीं क्या समझी, वो तुरंत चुप हो गई और चुप होके वो चली भी गई मेरे पास से और वो रोई नहीं। तो मुझे लगा शायद उसको भी समझ में आ गया होगा मम्मी काम कर रही। तो ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी। मैं बाद में बहुत अच्छे से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें मैंने किया है, क्यों मैंने जॉब ज्वाइन किया है। सच्ची बताओ मुझे लेना था ये डिसीजन एक ना एक दिन, तो मुझे लगा चलो ले ले तो देखा जाएगा क्या होता है आगे। ऐसे ही करना होगा, इतना सोच समझ कर आप काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और जो भी कर रही हूँ मैं हमारा अच्छे लाइफ के लिए कर रही हूँ। तो जो भी हो, देखिए इतना सारा बात करते करते बर्तन जो है मैंने धो लिया है, अब चिकन का भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और भूख भी ज़बरदस्त की लगी हुई थी मुझे। ऑलमोस्ट
कंप्लीट हो गया है, अभी भी कुछ काम है जो मुझे करना है। अभी मुझे करने जाना है हेयर वॉश, क्योंकि शाम हो जाएगा ना, बहुत सर्दी लगेगी, मैं नहीं कर पाऊँगी हेयर वॉश। और करी मैं ब्लॉग को वहीं पर ही एंड। नितीश मायरा दोनों गए सोने, तो अभी मैं जाऊँगी हेयर वॉश करने, उसके बाद मेरा ऑफिस का भी काम शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा आप लोग को तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नया वीडियो के साथ, एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाना बनाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय बाय, बहुत जल्दी।